किसी के सामने में कभी नहीं झुकूंगा, चाहे दुनिया का कोई भी ताकत क्यों ना हो। अगर आप अगर कहेंगे कि मैं सहिंसा हूं, तो मैं इस दुनिया में, इस धरती पर किसी को सहिंसा मानने के लिए तैयार नहीं हूं। विधायक पार्टी नहीं बनाया, पार्टी ने विधायक को बनाया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार की सियासत में मुकेश सहनी को लेकर आजकल हलचल मची हुई है। आपने किस प्रकार देखा कि कल मुकेश सहनी के तीन तीन विधायक टूट करके बीजेपी में चले जाते हैं, उसके बाद आज का दिन है जब मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपनी बात सबके सामने रखते हैं। मुकेश सहनी हमलावर होते हैं, मुकेश सहनी अपने दिल की बात निकाल रहे हैं, अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं और बता रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी झुकेगा नहीं। अभी हमें बिहार में बिहार की जनता के लिए, लोगों के लिए काम करने का मौका मिला है। मैं काम करते रहूंगा और आगे बढ़ते रहूंगा। जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा, तब तक मैं अपने समाज के हक अधिकार के लिए, अति पिछड़ा के लिए लड़ाई लड़ते रहूंगा। किसी के सामने में कभी नहीं झुकूंगा, चाहे दुनिया का कोई भी ताकत क्यों ना हो। हाँ, कंधे से कंधे मिला के चल सकता हूँ। अगर चार बात अगर आपका मानता हूँ, तो चार बात आपको हमारा भी मानना पड़ेगा। अगर आप अगर कहेंगे कि मैं सहिंसा हूं, तो मैं इस दुनिया में, इस धरती पर किसी को सहिंसा मानने के लिए तैयार नहीं हूं। कि आप चाहे वो जो कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं वो सब चीज करने के लिए। तो इसलिए आज जो हुआ है, ये कोई बड़ा घटना नहीं है, ये सामान्य घटना है। ये संसार में हमेशा होते रहा। जब गरीब पिछड़ा दलित का बेटा आगे बढ़ने का काम किया, आगे अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, तो उनके साथ हमेशा ऐसे होते रहा। आपने अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि चिराग पासवान जी का पार्टी किस तरीके से तोड़ा गया, परिवार में फूट डाला गया, लेकिन क्या हुआ। उससे पहले आपने देखा कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उनकी पार्टी अरुणाचल प्रदेश में 6 विधायक ले लिए, फिर क्या हुआ। तो ये विधायक पार्टी नहीं बनाया, पार्टी ने विधायक को बनाया। पार्टी में लोग आते जाते रहेंगे, हमारे विचारधारा से पार्टी आगे बढ़ेगा, और जिनको एक्सेप्ट होगा वो पार्टी में हमारे विचारधारा से चलेंगे, जिनको नहीं एक्सेप्ट होगा वो अपने रास्ता अलग बनाएंगे। तो उसे लोगों को भी शुभकामना देते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखिए, ईमानदारी के साथ रहिए। आपको जो जनता ने आपको चुन के भेजा है, उनके ऊपर भी आपको भरोसा रखिए। यही नहीं है कि आपको नेम फेम पावर मिल जाए, वही चीज है। आज मैं चाहता तो चैन से जिंदगी जीता, लेकिन मैंने ये नहीं चुना, मैंने संघर्ष का रास्ता चुना। तो सुना आपने मुकेश सहनी की बातों को, कह रहे हैं कि शहंशाह होंगे तो अपने घर में शहंशाह जो समझता है, मैं उसे शहंशाह नहीं समझता। लोगों का प्यार पाने के लिए हमने बिहार की सेवा करने का ठाना है। मुंबई की ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर हमने बिहार में इसलिए आना सही समझा क्योंकि यहां पर हजारों कमियां थी, हजारों चीजें ऐसी थी जिसको सुधारना था। लेकिन उनके साथ जो किया गया, मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि मेरे साथ जो किया गया वो सही नहीं किया गया। जो बातें हमारी हुई है गृहमंत्री के साथ, वो बंद कमरे में क्या हुई है, क्या डील हुई है, वो मुकेश सहनी ने नाराज तो नहीं खोला, लेकिन कहा कि जिनको दिक्कत हो रही है वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, ये सबका अपना मत है। जब पार्टी में थे तो हमारी विचारधारा अच्छी लगती थी, लेकिन जब पार्टी से बाहर चले गए तो हमारी विचारधारा से खिलाफत करने लगे। ये बात उन्होंने अपने ही विधायक जो कि टूट चुके हैं राजू सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा। लेकिन अब मुकेश सहनी जो है वो काफी नाराज दिख रहे हैं, मुकेश सहनी काफी क्षुब्ध दिख रहे हैं, दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, मन की बात लगातार कह रहे हैं। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।